Hey guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. It's me Sehrish from Sehrish Easy Life. I hope कि आप सब ठीक हों और आपको पता है रमज़ान भी बिल्कुल जो है वो करीब करीब है. अब कुछ दिन ही रह गए हैं रोज़े शुरू होने में, तो मैं जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन करके रखती हूँ. ये मैंने शामी कबाब बनाने लगी हूँ, तो गोश्त के अंदर जो है वो मैंने दो मीडियम प्याज ले लिए थे वो डाले हैं, और मैं जो है अब इसमें अदरक वो मैं डाल रही हूँ. ये अदरक जो थी मैंने बड़ी अच्छी मुझे मिली थी, तो मैंने ज़्यादा सारी ले ली थी, तो ख़राब ना हो जाए इस वजह से मैंने उसको कट करके पील करके कट करके उसको फ्रीज़ कर लिया था. तो ये मैंने अदरक डाली है, और गोश्त मेरे पास घर में पहले से ही पड़ा हुआ था तो वो मैंने थॉ किया है. अब वो गोश्त जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और गोश्त ऐड करने के बाद मैंने इसमें लहसुन भी डालना है. बड़ी आसान इसकी रेसिपी होती है शामी कबाब की, कि अगर आपने, और इजी भी होता है अगर पहले से बना के रख लें, कि अगर आपने कुछ भी लाइक बच्चों के लिए, छोटे अगर बच्चे हैं और वो ऑब्वियसली रोज़ा नहीं रख रहे, तो उनको भी आप दे सकते हैं नाश्ते में बना के. लाइक क्विक रेसिपी होती है, और अफ्तारी के लिए भी बहुत अच्छा है, सहरी के लिए भी बहुत अच्छा है जब कुछ नहीं खाने को दिल कर रहा होता. तो ये साथ में मैंने अब चूल्हे के ऊपर दाल रख दी है चने की, और साथ में गोश्त रखा हुआ है. अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी दाल में भी और गोश्त में भी. आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं. और ये मैंने दाल रखी है, दाल जो है मैंने एक कप ली है, और जो गोश्त है वो 1.5 kg है. अब इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है 1 चम्मच, लाल मिर्च मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ, और लाल मिर्च जो है ये भी आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं, और हल्दी जो है वो भी मैं गोश्त में भी डालूँगी और दाल में भी डालूँगी. दाल में सिर्फ जो है वो मैंने नमक और हल्दी डाली है, और साथ में पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देना है. तो इतना ज़्यादा इसको नहीं गलाना कि बिल्कुल ही घुली घुली हो जाए. तो अब ये अलग से जो है मैं मिर्चें और प्याज को चॉप कर रही हूँ. मेरे इससे फुटेज जो थी वो मिस हो गई थी, लेकिन मैंने अलग से जो है मिर्चियों को और प्याज को चॉप कर लिया था, और दाल को, जब दाल और गोश्त दोनों गल गए थे तो उनको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था. तो अब ये जो है सब एक बाउल में डाल दिए, और इसमें ही वो हरी मिर्चें और प्याज भी है, और मैंने इसके अंदर 3 ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो डाले. आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने फ्रेश ब्रेड ही लेके इसमें डाली है. और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी. ये मेरे पास जो है वो शामी कबाब का मसाला पड़ा हुआ था, ये जो है मैंने बस अंदाजे से थोड़ा सा डाल दिया, लाइक आई थिंक 2 चम्मच डाला था या 1 चम्मच डाला है. लेकिन ये कि आप इसमें इसको चख के आप इसका देख सकते हैं. हाँ जी, मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है. तो ये जो है अब मैं इसको अच्छे अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ना भी डालें, बट मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया. अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. अक्सर लोग जो हैं वो इसमें अंडा भी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बीच में डला हुआ अंडा, तो मैं जो है ये अंडा लगा के उसको फ्राई करती हूँ. तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, तो ये मैंने और इसमें मिर्चें ज़रा सी काट के डाली हैं. और अब जो है ये मैं इसके कबाब बना के रख लूँगी. यू नो, रमज़ान के लिए बड़ा आसान रहता है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है. तो मैंने सोचा है कि मैं जितनी भी चीज़ें बना के रख रही हूँ, मैं उसकी वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, और इजी रेसिपीज़ हैं आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएंगे, एंड यू कैन मेक स्टफ एट होम फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. तो अब जो है ये मैंने इसके कबाब बना के, और मैंने ये ग्रीसिंग पेपर लगाया था उसके ऊपर, मैं ये बना बना के रखती जाऊँगी, और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी. जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे, इसी ट्रे में रख के फ्रीज़ करूँगी, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल के मैं बैग में डालूँगी, ताकि वो आपस में चिपके ना. तो ये इजी है, बस आप निकाला. यूजुअली समटाइम्स मैं क्या करती हूँ कि अगर ज़्यादा टाइम हो तो मैं इनको फ्राई करके भी रख लेती हूँ, कि बस निकाला और आराम से आपने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया और खा लिया. लेकिन ये वाले जो हैं, क्योंकि मैंने फ्राई नहीं किए, तो इसको बस ये निकाल के रख लेंगे, थॉ हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको एग लगा के मैं इनको जो है वो आराम से फ्राई कर सकती हूँ. सो बहुत ईजी है, यू नो, आराम से आप रमज़ान में जल्दी से बना सकते हैं. तो ये एक जो था ये मैंने बगैर अंडा लगा के तवे पे फ्राई करके देखा, कि मैं चेक करूँ कि इसका नमक मिर्च वगैरह सब कुछ सही था.
तो ये है जी। और अब जो है मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा पराठे बना के रख लूँगी कीमे वाले सहरी के लिए या बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो नहीं रखते रोज़ा। तो ये मैंने कीमे का सालन अभी बनाया था, आलू कीमा जिस तरह बनाते हैं, प्याज का, प्याज अदरक लहसुन टमाटर डाल के और फिर उसमें कीमा डाल के उसको भून लेंगे अच्छे से, और फिर आलू जो है वो मैंने बारीक काट के डाल लिए थे और इस तरह मैंने कीमा बनाया था। तो ये मेरे पास ऑलरेडी मेड पराठास यहाँ से मिल जाते हैं पाकिस्तान में, आई थिंक डॉन के पराठे मिलते हैं फ्रोज़न, तो वो आप लें और उसके ऊपर ये कीमे का मिक्सचर डालें। आप इस तरह आलू के भी बना के रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर सूखा आटा डालें और फिर इसको थोड़ा सा मैंने बेल लिया था और फिर दोबारा से इसको प्लास्टिक रैप्स के अंदर जो था वो सेपरेट जो है मैंने करके इनको रख लिया है। तो ये बड़ा आसान है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठ के कुछ ना कुछ बनाना, एक तो वैसे उठने का दिल नहीं हो रहा होता और ऊपर से लाइक उठ के कुकिंग करना तो बहुत ही मुझे मुश्किल लगता है। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए पहले से ही बना के रखे हैं। टेस्ट इनका बिल्कुल भी मेरे नहीं ख्याल में इनका टेस्ट चेंज होता है, कभी भी मैंने नहीं फील किया कि टेस्ट चेंज है, तो ये बिल्कुल सही रहते हैं। तो इसी तरह ही बना के आप आराम से इनको रख सकते हैं और आपकी सहरी बहुत आसान हो जाएगी और बच्चे भी जो है वो अगर रोज़ा नहीं रख रहे छोटे हैं बच्चे तो आप उनको बना के दे सकते हैं, दे कैन हैव फन। तो इसी तरह ही जो है वो मैंने कीमे के पराठे बना के फ्रीज़ कर लिए थे और मैं सोच रही थी कि मैं आलू के भी बनाऊँगी बट आई थिंक कीमे वाले ही इनफ हैं। तो ये देखें पराठे जल्दी जल्दी से बन रहे हैं। आई होप कि ये रेसिपीज़ आपको बड़ी इजी लगी हो एंड यू कैन गेट आइडिया टू मेक स्टफ़ फॉर योर फैमिली एंड गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर रमज़ान। सो रमज़ान प्रिपरेशन की मैं फ्यू वीडियोस बना रही हूँ, आई होप कि इस तरह की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे एंड यू गेट सम आइडियाज़ एंड गेट मोटिवेटेड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रमज़ान। मेक श्योर कि मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं सो आई कैन गेट आइडिया होपफुली, और मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।